नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम दयाल पब्लिक स्कूल। पिछली कक्षा में हमने किया था हिंदी व्याकरण का पार्ट 11 विशेषण। आज की कक्षा में हम उसकी बुक एक्सरसाइज और कॉपी पार्ट को करने वाले हैं। बुक एक्सरसाइज में सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, नीचे लिखे विशेषण शब्दों के उल्टे विशेषण शब्द हमें यहाँ पे लिखे, यानी कि उनके विलोम शब्द लिखने हैं, जिसमें हमें उदाहरण के रूप में दे रखा है अच्छा यानी कि बुरा, छोटा यानी बड़ा, और नीचे के कुछ शब्द हैं जिनका हमें विलोम शब्द स्वयं लिखना है। नीचा, ऊंचा, कोमल, कठोर, आसान, कठिन, नई, पुरानी, मीठा, खट्टा, साधारण, विशेष। आगे प्रश्न दो है हमारे पास, निम्नलिखित विशेषण शब्दों में से जो विशेषण आपको अपनी माँ के लिए सही लगते हैं उनमें से किन्हीं दो का प्रयोग करके हमें वाक्य बनाना है। यहाँ पे हमें बहुत सारे शब्द दे रखे हैं, कोई भी दो शब्द चूज करते हुए हमें वाक्य यानी कि दो लाइंस अपनी माँ के लिए लिखनी है। तो हम लिखेंगे, मेरी माँ सुंदर है, पूर्ण विराम। वह साहसी महिला है, पूर्ण विराम। आगे हमें दे रखा है यहाँ पे, गोले में से सही विशेषण शब्दों को चुनकर चित्रों के साथ लिखना है। तो यहाँ पे हमें गोले में शब्द दे रखे हैं और उस चित्र के साथ में जो भी शब्द हमें सही लिखता है लगता है वो यहाँ लिख देंगे। तो चित्र दे रखा है हमें यहाँ पे महल का, महल के आगे हमने विशेषण शब्द लगाया बड़ा, बड़ा महल। आगे हमारे पास तितलियां, तो तितलियों के साथ हम सही शब्द लगाएंगे, सही विशेषण शब्द लगाएंगे रंग बिरंगी। आगे दे रखा है हाथी, हाथी के लिए सही विशेषण शब्द है विशाल। संतरे, संतरे कैसे, दर्जन संतरे। लड़की, लड़की कैसी, नटखट। सही विकल्प पर हमें टिक का चिन्ह लगाना है। विशेषण शब्द विशेषता बताते हैं किसकी, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे कहलाते हैं विशेष्य। आगे हमें दे रखा है विशेषण शब्दों का विशेष शब्दों से मिलान करना है। तो परिश्रमी को हम मिलाएंगे किसान से और 4 मीटर को हम मिलाएंगे कपड़ा से और बड़ा को हम मिलाएंगे मकान से। आगे चलते हैं इसके कॉपी पार्ट की ओर। कॉपी पार्ट में हम सबसे पहले विशेषण की परिभाषा लिखेंगे। विशेषण की परिभाषा में हम लिखेंगे कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। जैसे विशाल, बड़ा, मीठा, दो, मोटा आदि। जैसे कि मैंने आपको अध्याय में बताया था कि जो भी शब्द, चाहे वो संज्ञा शब्द के हो चाहे सर्वनाम शब्द के, अगर विशेषता बताने का काम कर रहे हैं तो वो विशेषण शब्द कहलाते हैं। प्रश्न दो है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे क्या कहलाते हैं। उत्तर में हम लिखेंगे, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेष्य। प्रश्न 3 है, नीचे लिखे विशेषण शब्दों के उल्टे विशेषण शब्द आपको लिखने हैं। जो हमने बुक एक्सरसाइज में किया था उसी को हम कॉपी पार्ट में कर रहे हैं। नीचा, ऊंचा, कोमल, कठोर, आसान, कठिन, नई, पुरानी, मीठा, खट्टा, साधारण, विशेष। आगे हमें दे रखा है प्रश्न 4, विशेषण शब्दों का विशिष्ट शब्दों से मिलान कीजिए। परिश्रमी, परिश्रमी को हम किससे मिलाएंगे, किसान से। 4 मीटर, 4 मीटर को हम मिलाएंगे कपड़े से और बड़ा, बड़ा से हम मिलाएंगे मकान। ये हो गया है बच्चों हमारी बुक एक्सरसाइज और कॉपी पार्ट। अब आपको क्या करना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास इसको सेंड करना है। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।